भी बहुत ज़्यादा हाई है, ज़्यादा ही ज़्यादा है, बस इसके इतना ही। हाँ ये है यहाँ का मॉल रोड, अभी तक तो मुझे यही सिर्फ अच्छा लगा, और अभी तो 50 रुपया का नुकसान करवा के आया, जहाँ कुछ नहीं था। ये हाथ से बुना हुआ सारे सामान मिलेंगे यहाँ का देखने के लिए, ये सबसे अच्छा जगह है। और एक ख़ास बात, यहाँ का कुत्ते बड़े मोटे मोटे हैं। ये रहा तिबेटन मोनास्ट्री, जहाँ हमें शायद ही थोड़ा ये अच्छा है, बर्फ भी दिख रहा है। वाह, ये रहा तिबेटन मोनास्ट्री, ये देख ही सकते हैं तिबेटन झंडा। मनाली का मॉल रोड, सारे लोग यहीं पे भीड़ लगा के खड़े हैं, इसे देख सकते हैं आप। मैं भी यहीं पे हूँ अभी, ये मॉल रोड है, इसके पीछे ये आगे बर्फ़ है, और देखिए मनाली हम पहुँच चुके हैं, बर्फ़ का मॉल है, बाकी ये पूरी दुकान है, ये पूरा मॉल रोड है, ये वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे दुकानें हैं, हर तरह का सामान बेच रहा है। ये मॉल रोड है, मॉल रोड है, ये मॉल रोड है, ये मनाली का हार्ट है, सब कुछ मस्त है, यहाँ कुछ भी खरीदो तो कम है। नूडल्स, ये है हमारा हदिम्बा टेम्पल, यहाँ पे भी नहीं, इनसे बॉल ले लिया ओ गार्डन में, इनको खिलाता नहीं कभी, यहाँ बस रेबिट के साथ फोटो खींचो और पैसा दो, बेचारा रेबिट। ये है हदिम्बा टेम्पल, और पास का सीन तो इतना अच्छा है कि लाजवाब है। इस सीन के लिए तो हम अगर नंबर देना होगा तो 10 में से मैं इसको 9 नंबर दूंगा। अगर नेचुरल ब्यूटी को देखा जाए इस एरिया का, तो ये काफ़ी 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 ज़्यादा सुंदर है। ये ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज है, और उसके बीच में ये हदिम्बा टेंपल है। यहाँ का कोई टिकट नहीं लगता, सबसे अच्छी बात है यहाँ टिकट नहीं लगता, और बड़े मज़े लो, बड़ा ही मज़ेदार। यहाँ के ड्रेन का पानी भी जम जाता है, ये रहा बर्फ, ये छोटे से छोटा पानी भी जम गया, ये रहा।
जो हदिम्बा टेम्पल है, पूरे एरिया में बर्फ़ जमा हुआ है वो, इसमें मैं खड़ा हूँ, ये भी बर्फ़ पूरा एरिया बर्फ की बर्फ ही है। टेम्पल पूरा टेम्पल ऐसा है, ये टेम्पल का अंदरूनी हिस्सा है, टेम्पल के बाहर ये बर्फ़ जमा हुआ है। यह हदिम्बा टेम्पल के बाहर का बर्फ है और आगे कदम्बा टेम्पल के पीछे गार्डन में है, ये सेब का पेड़ है जिसमें अभी सेब तो क्या जिंदा रहना मुश्किल हो रखा है। ये पेड़ है एक्चुअल में, ये गार्डन है लेकिन अभी इस पार्क में कुछ नहीं दिख रहा है सिवाय बर्फ के। एक्चुअल में ये गार्डन है, ये देखिए बर्फ कैसे जमा हो रखा है जमीन पे भी। ये इस टाइम मनाली आना, मनाली आने का सबसे सही टाइम है अभी। ये देखो ये पार्क है, ये रहा बर्फ, पेड़ के ऊपर जमा है ये बर्फ। तो ये जो बर्फ है ये बिल्कुल रुई की तरह होता है, इनको हम ऐसे हाथ से निकाल सकते हैं। ये कुछ नहीं है, बिल्कुल हवल की तरह है, आप देख सकते हैं ये बर्फ है। और ये भी ताज़े बर्फ है बिल्कुल, ये एक घर है इसके बाहर सिर्फ बर्फ रखा हुआ है। ये जंगल है बर्फ से ढका हुआ है, तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, बस ये एक फैमिली है। ये बर्फ, बर्फ ही बर्फ, जहाँ भी देखो बर्फ, चारों ओर बर्फ है। ये पेड़ बर्फ के नीचे दबा हुआ है, ये एक रोज का पेड़ है, ये देखिए ये बर्फ, ये छोड़ देंगे तो नीचे, ये भी बर्फ है पूरे बर्फ के अंदर। तो ये है सच असली मनाली, बस ये रहा मनाली, हो गया है। ये वो शिव टेंपल, भगवान शिव का मूर्ति भी है शिव जी का यहाँ पे, ये रहा। इसके आगे और देखने लायक यहाँ पे है, ये शिव जी का मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है और बिल्कुल तिबेटन स्टाइल का मंदिर है ये, जैसे अपने तवांग में भी इसी तरह का मंदिर देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं आप मंदिर में कितना अच्छा सजावट है, लाइट कम है थोड़ा अभी, शाम के टाइम है। ये आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर में तो ये शिव जी का मंदिर है लेकिन लग रहा है कि एक मोनास्ट्री जैसा है। ये मंदिर है पूरा वुडन डिज़ाइन किया हुआ है, ये वुडन डिज़ाइन के साथ है। ये आप देख सकते हैं ये मंदिर बहुत ही बढ़िया, ये अलग अलग तरह की मूर्तियाँ बना के रखे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे वुडन हैं, बहुत डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर। इतना खूबसूरत मंदिर तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा,
मैं बहुत जगह घूम चुका हूँ, लेकिन ये मंदिर देखिए आप डिज़ाइन देख सकते हैं, जो उड़न है पूरे मंदिर को उड़न डिज़ाइन है। ये एक अच्छा सा छोटा सा पाइन ट्री जिसमें अभी फूल आया हुआ है। मंदिर का चारों ओर का ये नज़ारा है। इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस एरिया में ये देखिए कॉटेज भी बना हुआ है, कितना सुंदर। यहाँ का मेनली जो है वो टूरिज्म है। ये सेब एप्पल का पेड़ है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम एप्पल नहीं है। ये अपना गाड़ी नीचे खड़ा है एक्सट्रीम। तो ये है यहाँ का चिन्ह, बस ये राम मंदिर है। ये अभी क्लब हाउस, यहाँ पे सब देखने के बाद अब हमारा बाड़ी आया है क्लब हाउस का। और क्लब हाउस में आप लोगों को अभी देखने को क्या क्या मिलेंगे वो तो मुझे भी ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं पता। यहाँ पे ये सब है, ये वाटर बोटिंग, फिशिंग, क्लब हाउस। इसके अंदर प्रदेश टूरिज्म, यहाँ पे क्या है, सिर्फ इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स है, रेस्टोरेंट है, बार है, शॉपिंग वगैरह है, बाकी आउटडोर की गेम्स है। लेफ्ट साइड में शॉपिंग में क्या क्या है ये देखो, सेल वगैरह लगी है, फर्स्ट फ्लोर में लगी। हाँ ये है क्लब हाउस, क्लब हाउस में ऑलरेडी गेम चल रहा है, बैडमिंटन, अंगूरी बार। ये है एग्जीबिशन, ये है क्लब हाउस के अंदर हम पहुंच गए अभी क्लब हाउस। हाथ से बना हुआ ये सब तो बंद है, कैरम खेलने का जगह है। ये खेलने वाले बंद है क्या सारे? बंद होते हैं तो खेलना तो नीचे से बुकिंग कराइए। ये फर्स्ट फ्लोर है क्लब हाउस का। ये हम अभी क्लब हाउस के बाहर जा रहे हैं। ये सारे हैंडक्राफ्ट हैं। ये सारे हैंडक्राफ्ट चीजें मिलेंगे यहाँ पे। जूट से बना हुआ है थैला। उसके अंदर चलो ये रहा क्लब हाउस के अंदर। ये आउटडोर स्पोर्ट्स है, ये एडवेंचर बाइक भी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। ये भी है
ये जो रेट है बड़ा अच्छा है। ये बर्फ के अंदर है, ये आप देख सकते हैं चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। ये है जो गेम का एरिया बना हुआ है। इस ये भी एप्पल का पौधा है जो अभी काट दिया है, और ये रोज ये एप्पल ये हम जा रहे हैं झील, पूरा झील जम जाता है, पानी कभी भी पूरा नहीं जमता, ऊपर से एक लेयर ही जमता है। तो ये इधर उसके ऊपर ईंटें रखा हुआ है तोड़ने के लिए, लोगों ने ईंटें फेंके हैं ताकि ये टूट जाए और नीचे का पानी का गर्मी से ये दोबारा ये झील बहने लगे। ये झील इस पार्क में, ये पार्क ये बहुत ही सुंदर पार्क है जिसका नाम है क्लब, और या फिर मनाली क्लब हाउस। मनाली क्लब हाउस में यहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं, ये बर्फ़ भी है, बर्फ़ के साथ साथ यहाँ पे आपको सवारी करने को भी मिल जाता है। ये जगह देखिए, इस बाकी तो स्पोर्ट दिखा दिया, ये रॉक क्लाइंबिंग भी है इधर से उधर। ये नदी जो बह रहा है देखिए, बीच बीच में जमा हुआ है, कहीं कहीं बह रहा है, और ये पूरा पहाड़, ये पाइन के पौधे, पेड़ बड़े बड़े बन गए हैं अभी। ये है पूरा मनाली, ये है असली मनाली। यहाँ आया नहीं, मनाली आया और क्लब हाउस नहीं आया तो मनाली किसी काम का नहीं रहता। इस तरफ बर्फ़, इस तरफ बर्फ़, चारों ओर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये आवाज़ आप लोग सुन सकते हैं पानी का, नीचे भी बर्फ़ है, रॉक क्लाइंबिंग यहाँ भी एडवेंचर स्पोर्ट्स है। उसके साथ साथ ये एडवेंचर स्पोर्ट्स हो रहा है, देख सकते हैं ये सारे स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं मनाली में। नहीं 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 नहीं, चलो चलो चलो, ये मेरा दोस्त कुछ ज़्यादा ही उतावला हो रहा है। ये बर्फ है, यहाँ पे बर्फ़ से हम गिरेंगे तो सीधा हाथ पे टूटेंगे, ये पूरा ही पूरा बर्फ़ से बना रखा है। ये बर्फीले पहाड़, उसके अंदर ही है ये क्लब हाउस का नज़ारा है, लोगों ने बना के रखा है मनाली क्लब। ये बर्फ़ का बना हुआ, ये बर्फ़ का बनाया हुआ चेयर है मेरे लिए, इस पर बैठ के मैं फोटो लूँगा। ये हो गया मेरा फोटो।